तो देखिए, अब यहां आपके सामने मैंने एक प्रदत्त लिया है जिसमें पांच स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी और ई। अब मान लीजिए इन स्टूडेंट्स को किन्हीं विषय में जो नंबर मिले उसमें रैंक वन यानी जो एग्जामिनर नंबर वन था उसने जो रैंक दिए, उसने ए को फर्स्ट रैंक दिया, बी को सेकंड रैंक दिया, सी को 3 रैंक दिया, डी को 4 रैंक दिया और ई को 5 रैंक दिया। लेकिन जो दूसरा एग्जामिनर है उसने इस जो ए वाला पर्सन था, जो पहला स्टूडेंट था जिसको पहले एग्जामिनर ने फर्स्ट रैंक दिया था, उसने उसको सेकंड रैंक दिया। नेक्स्ट वाले को यहां सेकंड रैंक मिला था लेकिन यहां इसको फर्स्ट रैंक मिला। इसी प्रकार से सी को 5th रैंक मिला, डी को 3rd रैंक मिला और ई को 4th रैंक मिला। तो ये जो दूसरे वाले एग्जामिनर टू के द्वारा जो रैंक्स दिए गए वो क्या कहलाए, R2। और जो पहले वाले एग्जामिनर्स के द्वारा रैंक दिए गए वो क्या कहलाए, R1। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा डी यानी कि R1 - R2। ये हम देख रहे हैं कि हमारा रैंक वन वन था और रैंक टू टू था, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, वन में से माइनस टू करेंगे तो हमारे पास क्या शेष रहेगा, -1। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 है और ये R2 में यहाँ 1 है, दोनों का डिफरेंस किया, R1 - R2 किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 1। इसी तरह से 3 और 5 का जब डिफरेंस करते हैं तो -2 और 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 1 और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, डी। डी का मतलब क्या हुआ, R1 में से R2 को माइनस करना है, जैसे अभी हमने करके देखा। अगला स्टेप हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमको चाहिए डी स्क्वायर। हमने इसको डी स्क्वायर किया यानी कि जो डी की वैल्यू प्राप्त हुई है उसका स्क्वायर निकाला। माइनस वन को माइनस वन से जब हमने गुणा किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। इसी प्रकार से अगेन 1 × 1 आएगा। माइनस टू को माइनस टू से जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये हम सब जानते हैं कि जब माइनस की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो उसका प्लस हो जाता है, तो यह -2 × -2 किया और हमें वैल्यू प्राप्त हुई 4। अगेन 1 × 1 1 1 × 1 1 और सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि इन सब का टोटल। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, द सम ऑफ। ये हमने पहले वाले जब इससे पहले लिखा था मैंने तब आपने समझा था और उससे पहले भी हम कई सवालों में सिग्मा का अर्थ समझ चुके हैं, द सम ऑफ यानी कि टोटल। 1 और 1 यानी कि 1 और 1 2 और 4 6 7 और 1 8। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 8। अब जो फॉर्मूला है रो का हम वो लगाएंगे। रो का फॉर्मूला हमने अभी क्या समझा था, रो इक्वल टू 1 - 6 σd² / (n)(n²-1). यहाँ n कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके 5 हो गए n। सिग्मा डी स्क्वायर आप निकाल चुके हैं और ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है यहाँ पर 8। अब आप फॉर्मूला के हिसाब से लगाएंगे 1 - 6 × 8। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना है, 8। 6 फिक्स वैल्यू है, 1 फिक्स वैल्यू है, देन अपॉन एन कितना है हमारा 5, तो 5 लिखा बाहर और फिर ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर - 1। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 25। 25 में से एक जाएगा 24। 24 का 5 से गुणा करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसको ऊपर जो 48 आया है उसमें उसमें भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद उस वैल्यू को 1 में से माइनस करेंगे और 1 में जब माइनस कर लेते हैं तो इस सवाल में हमें वैल्यू प्राप्त हो गई 0.60। यानी कि इस सवाल में ये जो प्रदत्त था, एक ही 5 जो व्यक्ति थे उनके जो रैंक्स का डिफरेंस था उसका जब हमने सहसंबंध ज्ञात किया उस विधि के द्वारा, तो सहसंबंध की वैल्यू पॉजिटिव में आई और वो वैल्यू हमारी क्या आई है, 0.60। ठीक है, एक बार रिपीटेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं। हम यहां समझ रहे हैं कोरिलेशन ऑफ रैंक डिफरेंस मेथड, है ना, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, जिसका फॉर्मूला है रो इक्वल टू 1 - 6 σd² / (n)(n²-1) ब्रैकेट में। यहां 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनर फर्स्ट है उसके द्वारा दिए गए रैंक को हमने R1 नाम दिया और 1, 2, 3, 4, 5 ये उसके द्वारा जो अंक दिए गए उसके आधार पर रैंक्स निकाले गए हैं। दूसरा
एग्जामिनर टू ने जो स्कोर्स दिए उसके आधार पर उसको जो रैंक्स मिल रहे हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड, फिर वन, फिर फाइव, फिर थ्री, फिर फोर। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से प्रदत्त आ गया तो हमें आगे क्या करना है, डी निकालना है। डी का मतलब क्या है, आर वन माइनस आर टू। हमने वन आर वन में से टू यानी आर टू को घटाया, डिफरेंस हमारा माइनस वन आया। इसी प्रकार से हम हर वैल्यू का उसके सामने दिए गए जो आर टू की वैल्यू है उसमें से माइनस किया, और नेक्स्ट स्टेप में हमने डी का स्क्वायर निकाला। डी के स्क्वायर के लिए जो हमारे डी की वैल्यू आई थी उसका उसी से मल्टीप्लीकेशन किया और इस तरह से स्क्वायर्स निकाल लिए, सारे स्क्वायर को जोड़ा, जो हमने क्या नाम दिया उसको, सिग्मा डी स्क्वायर। अब फॉर्मूला में वन फिक्स था, सिक्स फिक्स था, सिग्मा डी स्क्वायर आपका एट हो गया, इसलिए वन माइनस सिक्स इंटू एट अपॉन एन की वैल्यू फाइव है, इसलिए फाइव, फिर अगेन फाइव का स्क्वायर माइनस वन, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकल तरीके से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.60। अब इसके आगे हम ये समझेंगे कि ये 0.60 जो वैल्यू आई है इसको ये सार्थक है क्या, क्या ये जो दो चर थे या ये जो पांच विद्यार्थी थे उनको जो रैंक्स दिए गए क्या उनका जो सहसंबंध पाया गया है वह सार्थक है अथवा नहीं। इसके लिए हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, एग्जामिनेशन में भी आपको मिलेगी, बुक्स में भी दी रहती है, कोरिलेशन की बुक, कोरिलेशन की एक टेबल होती है जिसमें रो का भी दिया रहता है, आवश्यक मान कितना होना चाहिए 0.05 लेवल पर और 0.01 लेवल पर। उसके द्वारा हम तालिका में हम ये मान को कंपेयर करके देखते हैं कि प्राप्त मान क्या आवश्यक मान से अधिक है अथवा